सेकेंड मेन टॉपिक में ही स्केलेटल मसल के बारे में हमने पढ़ लिया ना, स्मूथ मसल के बारे में की बात अभी, और स्मूथ मसल को हम विसरल मसल भी बोलते हैं और कार्डिक मसल के बारे में। तो स्केलेटल मसल के बारे में मैं उसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगी अभी आपको, स्ट्रक्चर कैसा है स्केलेटल मसल का, और उसके बाद हम इसके आगे जो दो सब टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में तो मैं आपको स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर ही बताती हूँ। तो स्ट्रक्चर, तो ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी, ये बहुत सारी नंबर ऑफ मसल से मिलकर बनती हैं, और ये नंबर ऑफ मसल जो हैं मेड ऑफ इन नंबर ऑफ मसल बंडल्स, जिसको हम फैसिसल्स भी बोलते हैं, और ये साथ में मिलकर एक कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर बनाते हैं जिसको हम फैस्किया बोलते हैं। जितनी भी ईच मसल बंडल में बहुत सारे नंबर ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर जो है ये लाइंड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको हम सैक्रोलेमा बोलते हैं, और सैक्रोलेमा के अंदर क्या होता है, सैक्रोप्लाज्म फ्लूइड होता है, क्लियर है। तो मसल फाइबर जो है ये सिनकीटियम है, साइनसीटम बोल सकते हैं। एज अ सैक्रोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, मतलब कई सारे छोटे छोटे सेल्स थे जब आप एक एम्ब्रियो थे, जिसको हम बोलते हैं मायोब्लास्ट। ये सेल फ्यूज होकर एक बड़ा सा सेल बनाती है। अब वो छोटे छोटे सेल के अंदर जो न्यूक्लियाई थे, वो सारे न्यूक्लियाई अब एक सेल का पार्ट बन गई है। तो मल्टी न्यूक्लेटेड साइटोप्लाज्म है स्कैटर्ड न्यूक्लियाई। तो यही में मैंने बोला कि मसल फाइबर इज साइनसीटियम एज अ सैक्रोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। तो साइनसीटियम का मतलब यही था, ओके। तो मसल क्या है, मसल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, जिसको हम फैसिसल्स बोलते हैं, और मसल फाइबर का सिंगल बंडल मसल फाइबर, उससे क्या कंपोज्ड ऑफ अ मायोफाइबर विच इज मेड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फाइब्रिल, है ना, ये सारा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज अ सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर, इज स्टोर हाउस ऑफ अ कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस है। कैल्शियम आयंस ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, ना। तो अभी तक मैंने यही बताया आपको कि मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो है, नंबर ऑफ मसल बंडल्स बनते हैं, नंबर ऑफ मसल बंडल जब टुगेदर हो जाते हैं कोलेजन्स कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, उसको फैस्किया बोलते हैं। अभी मसल बंडल में बहुत सारे नंबर ऑफ मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर जो है एक लाइन से कवर होते हैं, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सैक्रोलेमा बोलते हैं, और सैक्रोलेमा के अंदर सैक्रोप्लाज्म नाम का फ्लूइड होता है। और मसल फाइबर जो है ये साइनसीटियम है, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियाई इसमें देखने को मिलते हैं। सैक्रोप्लाज्म इसके मसल फाइबर क्या है, साइनसीटियम है, मतलब कि इसके जो सैक्रोप्लाज्म है, जो फ्लूइड है मसल फाइबर के अंदर, वो क्या है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज अ सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर, इज अ सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर, इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, इसके बारे में बताया। अभी नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में मसल फाइबर के। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स इन द सैक्रोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मसल फाइबर की, इसके अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स मायोफिलामेंट प्रोटीन है, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन से बनता है, और मायोफाइब्रिल जो है ये अल्टरनेट है डार्क और लाइट बैंड्स ऑन इट, और स्टेटेड अपेयरेंस होती है इंपॉर्टेंट प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इसके अंदर क्या होती है, स्टेटेड अपेयरेंस होती है मायोफाइब्रिल के मायोफाइब्रिल में। तो एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर स्टेटेड अपेयरेंस देखने को मिलती है। एक्टिन जो है लाइट बैंड्स बनाता है, जिसको हम आई बैंड्स बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। मायोसिन जो है ये डार्क बैंड बनाता है, जिसको हम ए बैंड बोलते हैं या फिर एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। दोनों प्रोटीन जो है एक्टिन और मायोसिन, ये अरेंज्ड होते हैं रोड लाइक स्ट्रक्चर में एक दूसरे के पैरेलल, और ऑल्सो टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल